हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसके बाद ना तो आपकी गाड़ी कोई चोरी कर पाएगा और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। ये फीचर कहलाता है एंटी थेफ्ट अलार्म। एंटी थेफ्ट अलार्म का मतलब है जब भी आपकी गाड़ी में ये फीचर एक्टिवेटेड होगा, कोई गाड़ी को छुएगा या उसको ओपन करने की कोशिश करेगा तो गाड़ी आपकी अलार्म बजाने लगेगी, इट विल स्टार्ट अलार्मिंग। तो ये फीचर डिसेबल और इनेबल कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो एंटी थेफ्ट अलार्म का सिस्टम है ये बहुत सारी गाड़ियों में इनबिल्ट ही आता है, कंपनी इसको पहले से इंस्टॉल करके देती है, लेकिन कुछ गाड़ियों में हम इसे एक्सटर्नली इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस फीचर को कैसे इनेबल किया जाएगा और कैसे डिसेबल किया जाएगा। मेरे पास गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट VDI। मैं आप लोगों को इस गाड़ी में एंटी थेफ्ट अलार्म को एक्टिवेट करके बताऊंगा। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, गाड़ी को लॉक कर दिया है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक करेंगे, इसका इसकी की इंसर्ट करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। इसके बाद जो अलार्म का बटन होता है उसको हम 4 टाइम्स प्रेस करेंगे, 5th टाइम प्रेस करके उसको होल्ड रखेंगे। उसमें एक अलार्म आएगा छोटा सा, जैसे ही वो अलार्म आता है उसको प्रेस किए हुए ही हम गाड़ी के की के लॉक बटन को प्रेस करेंगे, वो फिर एक बीप देगा, उसके बाद ये हमारा फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। आइए मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाता हूँ। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे इसको एक्टिवेट किया जाना है। सबसे पहले मैंने गाड़ी अनलॉक की, गाड़ी की जो की है मैं इसको इंसर्ट करूँगा, इग्निशन ऑन करूँगा, फिर इसको वापस ऑफ करके निकाल लूँगा की को। अभी ये जो अलार्म का बटन है यहाँ पे, इसको 4 टाइम्स मैं प्रेस करूँगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5th टाइम्स आई विल होल्ड इट। ये अलार्म आया, फिर लॉक बटन को प्रेस कर दिया, एक साउंड आया बीप का। मतलब ये है, एक साउंड का मतलब है कि ये जो अलार्म एंटी थेफ्ट अलार्म है वो एक्टिवेट हो गया है। आइए दोस्तों, अब बारी है इस एंटी थेफ्ट अलार्म फीचर के एक्टिवेट होने के बाद इसको टेस्ट करने की। इसमें दो मोड होते हैं, जैसे इसको कोई हल्के से छुएगा तो 2-4 बीप की आवाज आएगी, मतलब वो वार्निंग दे रही कि किसी ने हल्का टच किया है या कोई छोटा सा इंसिडेंट उसके साथ हुआ है। जैसे उसमें कोई बड़ा जोर से मारेंगे हम लोग, या फिर कहीं पे हिट होगी गाड़ी, या कोई कोशिश करेगा उसको अनलॉक करने की, तो ये बहुत लंबा अलार्म बजा। देखिए जैसे ही मैं इसको हल्का सा छूंगा, इसने छोटा सा अलार्म बजाया, मतलब उसको हल्के से टच किया गया है, लेकिन जैसे इसमें तेज मारेंगे तो ये एक बहुत लंबा अलार्म बजाएगा। ये जो लंबा अलार्म बजाता है अगर हम इसके पास में है तो हम अनलॉक बटन को प्रेस करके इसको बंद कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस हम इसको डीएक्टिवेट करने के लिए भी यूज करेंगे। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक किया, ड्राइवर गेट ओपन रखना है, की को इसमें इंसर्ट करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे, वापस ऑफ करेंगे, अलार्म बटन को 4 टाइम्स प्रेस करेंगे और 5th टाइम इसको होल्ड रखेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5th ये साउंड देगा। इसके बाद लॉक बटन को प्रेस करेंगे, 2 बार साउंड बीप का साउंड आएगा, मतलब अलार्म एंटी थेफ्ट अलार्म डीएक्टिवेट हो गया है। आइए आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ। गाड़ी को लॉक कर दिया मैंने, अब इट इज नॉट अलार्मिंग, मतलब जो हमारा फीचर था एंटी थेफ्ट अलार्म वो डीएक्टिवेट हो गया है, डिसेबल हो गया है। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये कंपनी के साइड से बताया नहीं जाता, इनबिल्ट आता है, तो हम लोगों को कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे डीएक्टिवेट करना है ये हम लोग इससे कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फीचर मैं बता रहा हूँ ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनियों से जब ये गाड़ी हमारे पास आती है तो ये एंटी थेफ्ट अलार्म फीचर इसका ऑटोमेटिकली ऑफ ही रहता है, डिसेबल्ड रहता है। उसका कारण ये है कि गाड़ियाँ जब कंपनी के पास होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ हो रहा होता है, बहुत कुछ जब ये मैन्युफैक्चर हो रही होती है तब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे होते हैं जिनसे गाड़ी का अलार्म लगातार बजता ही रहेगा। इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ऑफ करके कंपनी हम लोगों को देती है, ये हम लोगों को ऑन करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एंटी थेफ्ट है, कोई चोरी नहीं कर सकता आपकी गाड़ी, कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए इसको ज़रूर एक्टिवेट करके रखें। थैंक यू दोस्तों।